वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी बनाने वाली कंपनी विनफास्ट ने भारत में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए शनिवार को यानी 6 जनवरी 2024 अग्रीमेंट पर साइन की। ये उन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ साइन की। ये कंपनी दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट यानी कि भारत में एंटर करना चाहते हैं। जॉइंट स्टेटमेंट के अनुसार तमिलनाडु ने इस प्रोजेक्ट के पहले 5 सालों के लिए $500 मिलियन यानी करीब 4,160 करोड़ रुपए के कमिटमेंट के साथ $2 बिलियन यानी 16,638 करोड़ रुपए तक की निवेश की दिशा में काम करने सहमति व्यक्त की है। लोकल लेवल पर करीब ये 3,500 लोगों को नौकरियां मिलने की उम्मीद। टेस्ला की कॉम्पिटिटर मानी जाती है विनफास्ट, और टेस्ला का पता नहीं कब तक ये इन्वेस्ट करे या कब फैक्ट्री चालू कर इंडिया में लॉन्च करे, लेकिन विनफास्ट आ चुकी है और इसका श्योर शॉट काम शुरू हो जाएगा 1-2 सालों में गाड़ियां लॉन्च कर। स्टेटमेंट में कहा गया है कि प्रोजेक्ट के इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का कंस्ट्रक्शन इस साल शुरू हो जाएगा यानी 2। इस प्लांट से लोकल लेवल पर करीब 3,000 से 3,500 लोगों को नौकरियां मिली। रॉयटर्स ने बुधवार को बताया था कि विनफास्ट भारत में तमिलनाडु के थुक्कडली में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी बनाए। अगर विनफास्ट की बात करें तो ये 2017 में स्थापित हुई है और 2021 से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है। कई देशों में इन्होंने अपने ग्रोथ प्लान्स अनाउंस किए हैं। यूएस में ये अगस्त 2023 में नैसडैक में लिस्ट हुई थी, इसके 1 महीने बाद कंपनी ने। जहाँ तक तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई में जहाँ ये स्थापित होगा प्लांट, एशिया का डेट्रॉइट कहा जाता है, और अन्य कई जिले कंपनी की मेजबानी करते हैं। इसमें ओला इलेक्ट्रिक और एथर जैसी इलेक्ट्रिक कंपनियां और चीन की BYD भी के प्लांट भी शामिल हैं। तमिलनाडु के प्लांट की एनुअल कैपेसिटी करीब 1.5 लाख वाहनों की हो, वियतनाम में इनकी कैपेसिटी करीब 2.5 लाख की है। हाल की बैटरी फैसिलिटी कब स्टार्ट होगी, क्या कैपेसिटी होगी, इस बारे में कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दी गई है। और अगर इसकी प्लान की बात करें तो नेशन वाइड पूरे डीलरशिप डेवलप करने के लिए विनफास्ट कोशिश कर रही है।